मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इससे पहले प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली से प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने बीते एक साल में किए गए कामों को बताया है। सीएम ने इसमें बताया कि रानी दुर्गावती के नाम से योजना शुरू की, संग्रामपुर में कैबिनेट बैठक की, साथ ही साथ नदी जोड़ो परियोजना के कार्य की शुरुआत की, किसानों के लिए साइबर तहसील की शुरुआत की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे 55 जिलों में पुलिस बैंड का गठन किया, साथ ही साथ उन्होंने सरकार की कई और उपलब्धियों को गिनवाया है, साथ ही साथ भविष्य के प्लान का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद एक वर्ष इस सरकार का हो रहा है। ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने दो प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व दो तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया।